क्या मनुष्य स्वयं ही अपना गुरुवार है? जाने गुरुवार के बारे में गीता का महाज्ञान। आज व्यास पूजा पूर्णिमा यानी गुरुवार पूर्णिमा है। आज के दिन स्नान आदि नित्य कर्म करके गुरु परम्परा सिद्ध अर्थम व्यास पूजा करिषे मंत्र से संकल्प करके पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख करके व्यास पीठ की स्थापना करके पंचोपचार आदि से ब्रह्म ब्रह्मा पराप्रशक्ति व्यास शुकदेव गौड़पाद गोविंद स्वामी शंकराचार्य और समस्त ऋषियों का आवाहन करें और अपने दीक्षा गुरु एवं माता पिता पितामह और अन्य वृद्धजनों का सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या गुरुवार बिना मुक्ति नहीं? भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में जो भी अच्छा या बुरा कर्म फल प्राप्त करता है, शास्त्रों के अनुसार वे उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण निश्चित होता है। 84 लाख विभिन्न जन्मों में किए कर्मों अथवा संस्कारों के पुण्य कर्मों से प्रारब्ध बनता है। वेदानुसार वर्तमान जीवन में मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों के द्वारा आगामी कर्मों को करते हुए सुख शांति स्वास्थ्य प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और उन्नत बना सकता है। गुरुवार कौन होता है? किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान का अंधकार दूर हो, उस विषय में वे हमारा गुरु है। इसी तरह जो ज्ञानी या सत्पुरुष हमें धर्मशास्त्रों के ज्ञान से और परमात्मा के सम्मुख यानी संबंध जोड़ता है, वही सच्चा गुरुवार हो सकता है। गुरुवार का काम मनुष्य को अपने साथ नहीं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का होता है। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 7 में भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वांशो जीव लोक के जीव भूत है सनातन, अर्थात इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। जीवन का परम सत्य तो ये ही है, भेजा भी उसने है और जाना भी उसी के पास है। गुरुवार केवल उस भूले हुए संबंध की सिर्फ याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। गीता के अनुसार गुरुवार की व्याख्या, गुकारस चांदकारो हिरुकारस तेज उच्छियते अज्ञान अग्रास कम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गीता के अनुसार गुरु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है, अतः जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे वही ही गुरुवार है। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वे धनदास होता है, और ऐसे ही जिसके मन में चेले बनाने की इच्छा होती है वे चेलादास होता है। सिद्ध पुरुष प्रसिद्धि नहीं चाहता और प्रसिद्ध पुरुष सिद्ध नहीं हो सकता। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरुवार बनने का शौक नहीं होता, अपितु समस्त मानवता और संसार के कल्याण की लगन होती है।